तो गाइस आज वीडियो में आप सबको टॉप 5 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन दिखाने वाला हूँ जो काफी खतरनाक होने वाले हैं और ये बीआर के कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होंगे जो आप सभी को यूज करके आप सभी अपना गेम प्ले लेवल काफी इंक्रीज कर सकते हो और काफी मध्य रस करके गेम प्ले करते होंगे, सून सर्वाइव करके गेम प्ले करते होंगे और स्नाइपर प्लेयर भी होंगे। तो सबके लिए काफी यूजफुल कैरेक्टर इस वीडियो के तहत आप सभी को मैं लाया हूँ। आप सभी को ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करके आप सभी एवरी गेम भैया कर सकते हो, क्योंकि काफी गेम में भैया इस कैरेक्टर के दम पे निकालता हूँ। तो इसी से समझ सकते हो कितने खतरनाक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाले हैं। तो अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस बढ़ते हैं पहले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की तरफ। ये कैरेक्टर होने वाला है जो प्लेयर लॉन्ग रेंज में फाइट करते होंगे और उन लोगों की शॉर्ट रेंज वीक होगी, ये उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो आप सभी को एक्टिव कैरेक्टर के अंदर के कैरेक्टर लगा लेना है जो आप सबको 250 EP देगा, ये HP में कन्वर्ट इजीली हो जाएगा। और आप सभी को जोन पकड़ने के लिए मीसा कैरेक्टर काफ़ी यूजफुल होने वाला है। अगर आप जोन में फंस जाते हो तो आप सभी के पास व्हीकल होगा तो आप सभी इजीली जोन के अंदर जा सकते हो। और आप सभी को मारो कैरेक्टर लगा लेना है जो लॉन्ग रेंज में एक्स्ट्रा डैमेज देने वाला है। आप सभी को लुकेटा कैरेक्टर भी लगा लेना है जो अगर आप सभी एक किल निकालते हो तो आप सभी को 25 HP एक्स्ट्रा देगा और अगर आप सभी दो किल निकालते हो तो आप सभी को 50 HP भी देगा। तो 50 HP से एक्स्ट्रा देने वाला नहीं है जो ये लुकेटा कैरेक्टर, आप सबको काफ़ी यूजफुल होगा क्योंकि आप सभी के पास 280 HP हो जाएगी अगर आप सभी को 30 HP मिल जाती है वेस्ट अटैचमेंट से। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की तरफ। ये कैरेक्टर उन बंदों के लिए होने वाला है जो शॉर्ट रेंज में फाइट करते होंगे, फुल रश करके गेम प्ले करते होंगे। तो आप सभी को ओरियन लगा लेना है तो ओरियन काफ़ी आप सभी को यूजफुल होगा। और आप सभी को लूना कैरेक्टर का एबिलिटी तो पता ही होगा जो आप सभी का रेट ऑफ फायर बढ़ा देता है। और सभी को म्यूगुल भी लगा लेना है, अगर आप सभी लगाते हो म्यूगुल तो आप सबको काफ़ी यूजफुल भी होगा, म्यूगुल के बिना ओरियन कुछ नहीं है। तो आप सभी को मैक्सिंग कैरेक्टर भी लगा लेना है जो मैक्सिंग कैरेक्टर होगा आप सभी को HP फास्ट रिकवर करने में आपसे को काफ़ी मदद करने वाला है। तो बढ़ते हैं थर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की तरफ। तो आप सभी को लुकेटा कैरेक्टर लगा लेना, आप सभी को लुकेटा कैरेक्टर की मैंने एबिलिटी बताई दी है तो आप सभी अब तासुया भी लगा लेना। जो तासुया होगा आप सभी को पता है इतना फटाक से रश करने के लिए इतना हेल्पफुल होने वाला है। और लूना कैरेक्टर तो पता ही होगा जो आप सभी को डेट ऑफ फायर काफ़ी इंक्रीज करता है। और आप सभी को मोको कैरेक्टर भी लगा लेना है, जो मोको कैरेक्टर होगा अगर आप सभी किसी बंदे को डैमेज देते हो तो इस बंदे के सिर के ऊपर एक व्हाइट कलर का एम आ जाएगा जो आप सभी को 6 सेकंड तक इस बंदे का लोकेशन दिखाएगा। तो अगर आप सभी के गेम में कोई बंदा काफ़ी रश कर गेम प्ले करता है तो आप सभी इसका मूवमेंट इजीली जज कर सकते हो कि बंदा कौन सा एक्शन करने वाला और बंदा कहाँ जाने वाला है। तो आप सभी बंदे का काफ़ी इजीली पोजीशन दिखा सकते हो। अगर आप सभी स्क्वाड भी खेलते हो तो आप सभी टीममेट के लिए भी काफ़ी यूजफुल होगा। तो इसके लिए तो लाइक कर देना गाइस थर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में। अब बढ़ते हैं फोर्थ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की तरफ। जो फोर्थ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है काफ़ी बंदे का फेवरेट होगा, जो बंदे स्नाइपिंग करते होंगे उन लोग तो और भी फेमस होने वाला है। तो चलते हैं फटाक से फोर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की तरफ। जो फोर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आप सभी देख सकते हो और आप सभी को फर्स्ट आयरिश कैरेक्टर लगा लेना है। जो आयरिश कैरेक्टर होगा अगर आप सभी बंदे को किसी स्नाइपर से डैमेज देते हो तो आप सभी इजीली आप सभी आयरिश एक्टिव करके बंदे को डाउन भी कर सकते हो। और आप सभी को मोको का तो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, अगर आप सभी एक स्नाइपर प्लेयर हो तो आप सभी को मोको भी लगा लेना है जो बंदे का लोकेशन आप सभी को बताएगा। और आप सभी इस कैरेक्टर का नाम देख ही सकते हो, मैं बोलने वाला तो नहीं हूँ गाइस। तो आप सभी इस कैरेक्टर को लगा लेते हो तो आप सभी एक्यूरेसी पावर बढ़ने वाला है अगर आप सभी स्कोप इन करके बंदे को मारते हो तो। और गाइस आप सभी को कैरेक्टर काफ़ी यूजफुल होने वाला है जो आप सभी को मैंने अभी दिखाया। और आप सभी को अब राफेल कैरेक्टर भी लगाना है, जो राफेल कैरेक्टर होगा अगर आप सभी किसी बंदे को डाउन करते हो तो जो इसका रेड वाला HP रहता है ना फटाक से ख़त्म होगा और इतना जल्दी ख़त्म होता है ना कि किसी इसके टीममेट को रिवाइव देने भर का भी मौका नहीं मिलता है। तो काफ़ी राफेल भी इंपॉर्टेंट है अगर आप सभी एक स्नाइपर प्लेयर हो। और खतरनाक कैरेक्टर चार कैरेक्टर कॉम्बिनेशन अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना गाइस। और ड्रैगी पेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ड्रैगी पेड लगाते हो तो अगर कोई बंदा 50 मीटर के अंदर HP मारता है मेडी मारता है तो आप सभी को इसका लोकेशन भी दिखने वाला है। तो काफ़ी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कॉमन होगा ये वाला फिफ्थ वाला। तो काफ़ी बंदे पता कमेंट कर देना जो फिफ्थ वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लेके खेलते होंगे, क्योंकि भाई ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ने पूरा गेम बिगाड़ के रख दिया है। तो आप सभी को इस कैरेक्टर के अंदर लगा लेना, एक्टिव कैरेक्टर के अंदर आप सबको डिमिटी लगा लेना है। अगर डिमिटी लगाते हो तो सोनिया तो लगाना ही पड़ेगा और नारी कैरेक्टर काफ़ी ज़रूरी भी है। अगर आप ओपन में डाउन होते हो तो आप सभी को वॉल इजीली टूटेगा नहीं, तो आप सभी इजीली सोनिया और डिमिटी के थ्रू इजीली रिवाइव हो जाएगा। और लुकेटा कैरेक्टर तो आप सभी को पता ही होगा, जो मैंने लुकेटा कैरेक्टर का एबिलिटी आप सभी को बता दिया है। तो गाइस कमेंट कर देना कि आप सभी को टॉप 5 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कैसे लगे और वीडियो को शेयर करना भूलना मत गाइस।
तो गाइस आप सभी को इस कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन तो आप सभी को काफ़ी मतलब यूजफुल तो लगेगा ही, क्योंकि काफ़ी बंदे सोलो के अंदर खेलते हैं जो काफ़ी इजीली रिवाइव भी हो जाते हैं, तो मतलब काफ़ी दिमाग ख़राब होता है सोलो के अंदर। तो आप गाइस आप सभी को एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के थ्रू आप गेम प्ले करके दिखा देता हूँ जो फर्स्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो फटाफट चलते हैं गेम के अंदर और ये फुल रश गेम प्ले होने वाला है, तो आप सभी को काफ़ी मज़ा आएगा, तो वीडियो स्किप करना मत। तो चलते हैं फटाफट से गेम के अंदर। तो गाइस देख ही सकते इस गेम के अंदर मैंने एक ही निकाल लिया, तो अभी जस्ट मैं सर्वाइव करके जोन से निकल रहा था और एक समय तक बंदा दिखा जिसको गाड़ी से मैंने उड़ा दिया। तो फटाफट फिनिश करते हैं, बंदा बन गया भूखा और फाइनली बंदा ख़त्म ही हो गया, इसलिए मैं आपसे भूकंप सजेस्ट नहीं किया था। अगर आपको जोन का डैमेज लगता है तो आप सभी का भूकंप टूट भी जाता है, तो इसलिए मैंने आप सभी को भूकंप बताया नहीं था। चलो फाइनली बंदा बहुत डैमेज है, तो गाड़ी लेकर रश करके मारते हैं बंदे को, क्योंकि बंदा काफ़ी इजीली HP रिकवर कर देगा। तो आपसे मेरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन देख ही सकते हो जो मैंने आपसे फर्स्ट वाला बताया था। तो बंदे को रश करके मारते हैं और फाइनली बंदा ख़त्म भी होगा। ये काफ़ी नॉर्मल लॉबी आई, इतनी हार्ड लॉबी भी नहीं आई थी। तो हेटिस दिखाते कि नहीं, इधर हेटिस तो दिखा नहीं रहा, तो हम लोग गाड़ी लेकर निकलते हैं क्योंकि काफ़ी जोन के अंदर हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास के कैरेक्टर तो काफ़ी इजीली HP भी रिकवर कर देता है। हम गाड़ी लेकर निकलते हैं जोन के बाहर, और जोन के बाहर आते आते बस 7 ही बंदे बचे और मेरा 3 किल हो गया था। जैसा मैं कोई बंदा दिखा था, अभी मैंने एक हेटिस लगाया था ना, और मैंने हेटिस वाले बंदे को किसी ने मार दिया, तो इसी बंदे को मैं मारने के लिए आया हूँ अपने हेटिस वाले बंदे का बदला लेने। शायद ये बंदा सामने जब दिखा है, बंदा काफ़ी डैमेज है, इसका वॉल टूटेगा नहीं। बंदे ने शायद मेरा पहले से करेक्टर कॉम्बिनेशन जज करके रखा था और बंदे लगा भी लिया और मेरे को पड़ भी रही है, तो किसको मारूं मैं समझ नहीं आ रहा, मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ। तो सोच रहा हूँ कि नीचे वाला क्यों ना मारा जाए, अगर नीचे वाला ओपन में आता है तो इसको इजीली फिनिश करते हैं। और काफ़ी मतलब बंदे जोन के अंदर है, तो काफ़ी उन लोग का HP भी काट रहा होगा, और मेरा केक रखना देख सकते हो मेरी काफ़ी कम HP कम हो रही है। ये रहा बंदा, भाई बंदा चला गया, भाई मेरा हाथ से निकल गया बंदा, भाई मारते हैं भाई मजा। और फाइनली बंदा ख़त्म हो गया, भाई क्या ही मारा बंदे को, शायद बंदा जोन से मर गया जो बंदे ने मेरे हिटिस वाले बंदे को मारा था। आप गाड़ी लेकर निकलते हैं इधर से, अरे भाई निकल जा भाई, गाड़ी फंस जाती है इधर तो दिमाग ही खराब हो जाता। तो फाइनली जोन से बाहर आ चुके और लास्ट जोन की फाइट अब स्टार्ट हो गई है। तो देख सकते हो दो दो बंदे मॉन्स्टर टैक ले घूम रहे, इसमें से एक मैं भी हूँ और एक बंदा मॉन्स्टर टैक ले घूम रहा है, और बंदे ने मॉन्स्टर टैक से एक बंदे को उड़ा भी दिया है। अभी भी बस दो बंदे बचे, एक मॉन्स्टर टैक वाला बचा है और एक और बंदा बचा है, इसको लड़ाई क्या, चलो छोड़ो इस बंदे को, मैं कवर में हो जाता हूँ, अब इसकी गाड़ी फोड़ता हूँ। बंदा इस बंदे को पक्का मारने वाला है, भाई बंदा वॉल क्यों लगा रहा था पता नहीं, इस बंदे को मारते हैं पहले गाड़ी फोड़ते हैं। फाइनली बंदे की गाड़ी फोड़ गई है, तो इसको फिनिश करते हैं, अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं। बंदे का गाड़ी मैंने फोड़ दिया, तो बंदे को अब गाड़ी से उड़ा के ख़त्म करने वाले हैं। चलो भाई चलते हैं, उड़ा भाई उड़ा दो इसको, पहले मारते हैं इस बंदे को, एक किल उठा लेते हैं किसी तरह। भाई बंदे ने अपने को पैक कर लिया, नेट डालते हैं इधर, जाएगा क्या नेट, नेट तो काफ़ी गंदा है, मैंने नेट इधर कर दिया है। ये रहा बंदा और फाइनली बंदा डाउन। भाई बंदे ने मेडी नहीं मारा क्या, इस बंदे को ने पहले ही डैमेज दिया था और बंदे ने मेडी मारा नहीं था। ये रहा भाई बंदा लास्ट का, बस एक ही बंदा बचे, इसको फिनिश करके हम लोग काफ़ी ईजिली भुजिया काट लेंगे। तो मारते हैं बंदे को रेस करके और फाइनली बंदा ख़त्म, और इस गेम को हम लोगों ने भुजिया कर लिया, और इस गेम के अंदर हम लोग को 30 का प्लस मिलता है। तो गाइस कमेंट कर देना कि आप सभी को खतरनाक करेक्टर कॉम्बिनेशन लग कैसे लगे, टॉप 5 करेक्टर कॉम्बिनेशन। तो गाइस आज वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं कुछ और एक नए वीडियो के अंदर, तो अवेलेबल गाइस, टाटा बाय बाय।